नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो वेबसाइट कैसे बनाए से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो रही है और ये हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो वेबसाइट कैसे बनाते हैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक। तो जो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ेगी और एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम वर्डप्रेस पर अपनी जो वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम जो है वो फाइंड कर लेना है बढ़िया सा और परचेज कर लेना। अब फाइंड कैसे करते हैं और परचेज कैसे करते हैं इसके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है वो अपना डोमेन नेम फाइंड कर लीजिए, उसके बाद परचेज कर लीजिए। उसके बाद आपको जो एक अपनी होस्टिंग परचेज करनी होगी, कहीं से भी आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो। अगर सस्ती एंड टिकाऊ होस्टिंग के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो वीडियो देखिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जो वेबसाइट बनाओगे। चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आगे का काम वहीं हम करेंगे। सबसे पहले आपको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अपने सीपीएनएल को लॉगिन कर लेना है, कंट्रोल पैनल को लॉगिन कर लेना है। अब कंट्रोल पैनल की डिटेल आपके पास अपने मेल में मिलेगी, जहां से आपने होस्टिंग खरीदे उसने मेल भेजा है, वहां पर जाइए और सीपीएनएल ओपन कर लीजिए, वहां पर लॉगिन डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अभी पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि होस्टिंग कैसे खरीदनी है, 20 रुपये वाली होस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको लॉगिन डिटेल कैसे मिलेगी और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपनी होस्टिंग के साथ अपने डोमेन को कनेक्ट कैसे करोगे। तो डोमेन को कनेक्ट करने के बाद ही आगे का ये प्रोसेस होगा, तो आप अपने डोमेन को जो होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं करना आता तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो को लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको होस्टिंग के साथ अपने डोमेन नेम को जो है वो लिंक करना बताया, तो उस वीडियो को देखकर होस्टिंग के साथ अपने डोमेन को लिंक कर लीजिए। चलिए हम अपनी जो वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डोमेन्स का, ईमेल्स का, और नीचे आपको एक सॉफ्टवेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पर ये है सॉफ्ट कलर्स एप्स इंस्टॉलर, इस पे ऊपर आपको क्लिक करना है। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन हम तो बनाएंगे वर्डप्रेस से। तो वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेमो देख सकते हो और इंस्टॉल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना वर्जन सिलेक्ट करना होगा, जो भी वर्जन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो लेटेस्ट वर्जन ये है 5.4.2, तो ये सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल पे आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है कि आप HTTPS के साथ अपनी वेबसाइट को ले जाना चाहते हो क्या करना है। तो इस पर क्लिक करके आपको HTTPS/WWW ये सिलेक्ट कर लेना है ताकि ये बढ़िया रहे। और उसके बाद चूज डोमेन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप उस डोमेन को सिलेक्ट कर लीजिए जिस डोमेन से आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो। यहाँ पर वो डोमेन आ जाएंगे जो आपने अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके रखे होंगे। फिलहाल मैंने एक ही कनेक्ट करके रखा है, तो ये मेरा डोमेन आ रहा है newmitrarajasthan.com, इसको सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद एक डायरेक्टरी ये शो होगी, तो WP यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो इस WP को डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हो साइट की सेटिंग है, तो यहाँ पर साइट सेटिंग में आपको साइट का नाम देना है, माई ब्लॉग यहाँ पर लिखा गया है, तो जो भी आपकी ब्लॉग का नाम है, वेबसाइट का नाम है, वो दे दीजिए। जैसे कि मेरे केस में है न्यू मित्र राजस्थान, तो मैं ये दे देता हूँ, तो मैंने दे दिया न्यू मित्र राजस्थान, इस तरीके से देना है। उसके बाद साइट की डिस्क्रिप्शन देनी है, यानी कि आपको एक टैगलाइन डालनी है, वो आप अपने अनुसार डाल लीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है सरकारी नौकरी सरकारी रिजल्ट, इस तरीके से आप भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपने एडमिन का जो अकाउंट है उसको सेटअप करना है, जिसमें आपको एडमिन का यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। अब देखिए, ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको उस वक्त काम आएगी जब आप अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे, तो आपको सही से डालना है और इसे याद भी रखना है। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने जो अपना एडमिन यूजर नेम दे दिया है, एडमिन पासवर्ड में पासवर्ड डाल दिया, और एडमिन ईमेल में आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी है ताकि आप बाद में इसे एक्सेस कर पाओ। तो ये सब कुछ डालने के बाद स्क्रॉल करना है, उसके बाद चूज लैंग्वेज पे क्लिक करके आपको इसे इंग्लिश ही पढ़ा रहने देना है। यहाँ पर प्लगइन्स में आपको कुछ करना नहीं है, अगर आप क्लासिक एडिटर सिलेक्ट करना चाहो तो इसे सिलेक्ट कर सकते हो, वरना इसको भी जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है और उसके बाद इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। अभी हमने जैसे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया तो ये जो है वो लोडिंग होना शुरू हो गया, हमने जो डाटा सबमिट किया था उसको चेक कर रहा है और फाइनली हमारी वेबसाइट बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का यूआरएल मिला है और हमारी वेबसाइट का यूआरएल मिला है। चलिए हम अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं कि ओपन हो रही है फिर नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, फाइनली आप देख सकते हो हमारे हेलो वर्ल्ड के साथ ओपन होने लगी है। इस तरीके की हमारी वेबसाइट आपको नजर आ रही है। अभी इसी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे सरकारी नौकरी के जैसा, हम यहाँ पर लुक देंगे। सो आपको अपने वर्डप्रेस में लॉगिन होना है। वर्डप्रेस में लॉगिन होने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूआरएल दिया गया है, इस पर क्लिक करना है और इसे जो है वो लॉगिन कर लेना है।
फिलहाल अगर आप यहीं से कर रहे हो तो आपको पासवर्ड और जो यूजर नेम है वो डालने के लिए नहीं बोलेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो ये यूआरएल डाल के करोगे तो आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड डाला है वो डालना जरूरी है। अभी यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी जरूरी है, हमारी वेबसाइट तो बनकर तैयार हो गई, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल भी कर लिया। अभी कुछ सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये बाद में काम आए। सो गाइज, आपको जो है यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और उसके बाद परमालिंक के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हम अपनी परमालिंक चेंज करेंगे। तो देख सकते हो कॉमन सेटिंग है ये परमालिंक की, तो आपको पोस्ट नेम का जो सेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि आपके डोमेन का नाम आए उसके बाद पोस्ट का जो नेम आए वो आए, परमालिंक आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। तो आपको यहाँ पर प्लगइन्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सर्च करने का बटन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है योस्ट एसईओ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर योस्ट एसईओ का बटन देखने को मिल जाएगा। आपको जो योस्ट एसईओ प्लगइन देखने को मिलेगा तो आपको इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपको एक्टिव का बटन देखने को मिलेगा, इससे इस पर क्लिक करके आप जो इसे एक्टिव कर लीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हो ये एक्टिव हो चुका है। ऊपर आपको योस्ट एसईओ का बटन देखने को मिल जाएगा, आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और कन्फर्मेशन विजार्ड पर आपको क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। तो आपको जो है सबसे पहले ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद ए ब्लॉक को आपको सिलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने लोगो वगैरह लगाना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने फेसबुक का सारे का जो भी नाम है वो लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च इंजन एबिलिटी देखने को मिलेगी, तो ये जो सेटिंग है इसे पढ़े रहने देना और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑथर का ऑप्शन आ गया, अगर आपकी वेबसाइट में एक से ज़्यादा ऑथर है तो वो आपको सेलेक्ट करना है, वरना नो पे आपको क्लिक करना और नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट का जो नाम आपने डाला था वो आ गया, और उसके बाद स्पेलेटर आपको लगाना है, जैसे कि ये आप लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये कन्फर्म पूरा हो गया है तो आपको जो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, ये फिनिश यहाँ पर हो जाएगा। तो देख सकते हो सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पर क्लोज कर देना है। अभी इतना काम हो गया, अभी आपको एक काम करना है, आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर में सबमिट करना है। चलिए हम वेब मास्टर में सबमिट करते हैं। वेब मास्टर में सबमिट करने के लिए न्यू टैब ओपन कर लीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए गूगल वेब मास्टर। तो ये हमने टाइप किया गूगल वेब मास्टर, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा गूगल वेब मास्टर की जो पहली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो है वो एक प्रवेश का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सर्च कंसोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको यूआरएल प्रीफिक्स को सिलेक्ट करना है और जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है उसको यहाँ पर डालना है। चलिए हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो भी है उसको कॉपी करते हैं और वहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है वो डाल दीजिए और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट तो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, लेकिन आपको हमें ये बताना होगा कि ये जो वेबसाइट आपने सबमिट किया, यूआरएल जो आपने सबमिट किया, ये आपकी ही वेबसाइट है। इसके लिए आपको बहुत से तरीके देखने को मिल जाएंगे। एक है एचटीएमएल फाइल जिसको आपको सीपीएनएल में अपलोड करना होगा, और दूसरा तरीका है एचटीएमएल टैग, तीसरा तरीका है गूगल एनालिटिक्स। बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि गूगल ये जो एचटीएमएल टैग है इसको ही आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक एचटीएमएल टैग मिलेगा, इसको कॉपी करें पे क्लिक करके ये जो कॉपी करेंगे और आपके और आपको आपको अपेयरेंस में जाना है, और अपेयरेंस में जाने के बाद आपको थीम एडिटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और आपको थीम फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा राइट साइड में। यहाँ पर आना है, यहाँ पर थीम हेडर को आपको सिलेक्ट करना है। ये थीम हेडर है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और हेडर पेज आपका यहाँ पर आ जाएगा। हेड है वो आपको देखने को मिलेगा ये वाला, इस पर भी आपको स्पेस देना है और जो आपने कॉपी किया था उसको जो है पेस्ट करना है। उसके बाद अपडेट फाइल पर क्लिक कर देना है। अपडेट थीम पे क्लिक करने के बाद ये आपकी अपडेट हो जाएगी। अभी जाना है आपको सर्च कंसोल में और पुष्टि करें पे क्लिक करना है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट है वो वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पर आपको गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। अब इतना कुछ होने के बाद आपको यहाँ पर साइड मैप सबमिट करना होगा, तो आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाना होगा, जो भी आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसमें चले जाना होगा। यहाँ पर आपको एक फीचर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, योस्ट एसईओ में आओगे ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको कहाँ आना है। तो आपको लेफ्ट साइड में नीचे की ओर एसईओ का बटन देखने को मिलेगा, जो आपने योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया उसका एक आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फीचर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद एसईओ एनालाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसएमएल साइड मैप का ऑप्शन देखने को मिला है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क का बटन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सब कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये जो सीधा एक्सएमएल फाइल का जो ऑप्शन देखने को मिला है साइड मैप का, इस पर आपको क्लिक करना है ताकि आपका जो साइड मैप है वो आपके सामने आ जाएगी इस तरीके से, जो आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको पूरा का पूरा कॉपी करना है और वेबमास्टर में चले जाना है।
तो ये वे मास्टर रहा, यहाँ पर आपको साइड मैप पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको साइड मैप डालना है। अब देखिए मेरा एक पहले से साइड मैप डला है क्योंकि ये जो वेबसाइट थी पहले ब्लॉगर पर थी, हम वर्डप्रेस वाला डालेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर साइड मैप यूआरएल का, तो इस पर जो कॉपी किया था वो पूरा पूरा डाल दीजिए, और साइड मैप के पहले जो कुछ भी है यानी फ्लैश सब कुछ है इसको पूरा डिलीट कर दीजिए। साइड मैप इंडेक्स एक्सएमएल ये सब कुछ है ना, साइड मैप से पहले जो कुछ भी है उसे डिलीट कर दीजिए और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हो हमने सक्सेसफुली डाल दिया है और ये जो साइड मैप है सक्सेस भी हो गया इसका। तो इस तरीके से आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करनी है और इसमें जो जरूरी सेटिंग है वो कर लेनी है। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जो वेबसाइट कैसे बनानी है, थोड़ी बहुत पॉइंट होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना होता है जो वेबसाइट बनाने के बाद। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो वेबसाइट के जैसा आपको अपना एक होम पेज कैसे सेलेक्ट करना है, डिजाइन करना है, और उसके बाद उसमें जितने भी पेजेज होते हैं वो सारी कैसे बनानी है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, उसके बाद आपको हमारी वीडियोस देखनी है और अपनी जो वेबसाइट को सक्सेस कर लेना है। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।